हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं समरगुल और आप देख रहे हैं समरगुल व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो जी, आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो अभी जी शाम होने वाली है, असर का वक्त है तकरीबन, और यहां पर मेरे चाचू आए हुए हैं जी तूड़ी लेने के लिए, जानवरों के लिए। और यहाँ पर वो पुराना जाम इमरान यहाँ पर मौजूद है। तो जी पीछे, हमारे पीछे ये गंदम है, और यहाँ पर हम आए हुए हैं तूड़ी लेने के लिए। एक दोस्त भी यहाँ पर मौजूद है, और शाम का वक्त होने वाला है, तकरीबन असर का वक्त है। जाम साहब, ये दसो क्या तुम कि आए हो? बस ये तो तेरे चाचू नाल काम आ, तो तूड़ी चार गिन पे है। खैर आज कंदाड़े काम पे पंख तक सदा दुनिया दे काम मुक दे। अच्छा, तो जी ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे चाचू के पास काम आया हुआ हूँ, तो पता नहीं क्या काम है इनका, पूछ तो नहीं सकते हम। और अब हम चलते हैं आगे। तो जी अभी सुबह का वक्त है, सूरज जो है वो तलू हो रहा है, और इधर कुरान पाक की तिलावत भी हो रही है क्योंकि आज जुम्मा है। तो जी दोस्तों, इस वक्त फाइनली हमने जुम्मे की नमाज़ अदा की है। आज जुम्मा है, और नमाज जुम्मे की अदा करने के बाद अब हम जा रहे हैं जी वापस घर। आज गर्मी भी है और धूप भी आज काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है, और हमारी नहरों में पानी नहीं था, वो भी आ गया है। ये जी हमारी नहर है, और आज फाइनली हमारी नहर में पानी आ गया है। इसमें पानी नहीं था, काफ़ी अरसे से सूखी हुई थी, तो अभी फसलें सैराब होंगी इससे। तो जी अभी मैं घर में मौजूद हूँ, और अब हम जाने लगे हैं जी। कहाँ जाने लगे? हम बेर खाने के लिए जाने लगे हैं, और ये मैंने सेल्फी स्टिक ले लिया है, और बाइक भी तैयार है ये देखें। तो अभी हम चलते हैं, भूख लगी है, थोड़ी रोटी खा लें। तो जी अभी रोटी मैंने खा ली है, और अभी बाइक तैयार है, और फिर चलते हैं। इस वक्त जी मैं एक दुकान पर आ गया हूँ, और यहाँ पर कुछ खाने के लिए लेते हैं, और ये खुले बिस्किट हैं, और ये मैं लेने लगा हूँ जी 5 रुपए के, क्योंकि मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं। और 5 रुपए का मैं एक लूँगा जी केक, यानी जिसे रस कहते हैं ये वाला। तो वो बिस्किट मैंने ले लिए हैं, और अब एक ये भी ले लिया है रस। तो अभी फिर हम आगे चलते हैं। तो इस वक्त जी क्रिकेट का मैच हो रहा है, और मैं भी बैट्समैन के तौर पे खेल रहा हूँ, और साथ में व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ। तो ये गेंद देखते हैं क्या होता है इस पर। तो जी 4 हो गया। तो जी मैं फाइनली यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ये चारों तरफ से ज़मीन है, और मेरे पीछे वो आपको दरख्त नज़र आ रहा है, वो बेर का दरख्त है। और चलते हैं और जाकर बेर तोड़ते हैं और खाते हैं। तो अभी जी हम जा रहे हैं। यहाँ पर जी बहुत अच्छे अच्छे बेर होते हैं खाने के लिए, तो मैं यहाँ पर, हमारी ज़मीन भी है, तो अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पर बेर खाने के लिए, और मीठे भी काफ़ी होते हैं। वैसे तो बहुत सारे दरख्त हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आता हूँ ये वाले बेर खाने के लिए। और इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ, अभी कुछ कच्चे भी हैं। ये जी दरख्त है बेर का, और इसके ऊपर ये देखें बेर लगे हुए हैं, और नीचे भी बेर पड़े हुए हैं। आप ये देखें पक्के पक्के जो बेर, ये देखें। तो अभी जी खाते हैं इनको। गिर गया यार, मीठे हैं बहुत ज़्यादा। तो एक और पड़ा हुआ है साफ़ सुथरा ये वाला, तो इसे खाते हैं अभी। बहुत ही मीठा बेर है, और भी काफ़ी पड़े हैं नीचे, ये देखें मीठे मीठे। बाज़ूकात इनके अंदर कीड़ा भी होता है, लेकिन इस बेर के अंदर कीड़ा नहीं है। तो जी इस वक्त मौजूद हैं, और मेरा दोस्त भी आ गया है। तो ये देखें, ये भी आ गया, और इस वक्त फुल बेर खाने के माहौल में हम मौजूद हैं। और मैं दूर से इसलिए यहाँ पे आता हूँ, मीठे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, बंदा इनका दीवाना हो जाता है।
तो अभी हमारा ऊपर चढ़ने का इरादा है कुछ तोड़ने का, देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी, यहाँ पर पक्के पक्के बेर मौजूद हैं और यहाँ पर हाथ नहीं पहुँच रहा। ये मेरा हाथ है और वहाँ पर बेर हैं, और जी मोटे मोटे बेर यहाँ पर मौजूद हैं। तो जी इस वक्त मैं और मेरा दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर टिकटॉक वगैरह बन रही है, तो ये देखें तो ये टिकटॉक बनाने की तैयारी में है। वॉइस तो आपने सुनी ली होगी, और इस वक्त मगरिब भी होने वाली है, और ये चारों तरफ से आपको गंदम की खूबसूरत फसल नज़र आ रही है। और जी ये देखें, दरमियान में, ये टेलों के दरमियान में एक दो घर मौजूद हैं, ये इसी का घर है। और फसल को पानी भी लगाएंगे कुछ अरसे के बाद, क्योंकि फसल पानी के लिए बिल्कुल तैयार है और सिट्टे भी बिल्कुल निकल चुके हैं, ये देखें। और इस वक्त मगरिब होने के बिल्कुल करीब है, अभी हम वापस घर भी चलेंगे। तो आज के ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कैसी होती है, तो हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।